तुम भी जेठा। सुख मामा मैं निकलता हूँ। अरे तू घर में। अरे मैं बैठा हूँ इधर से हाथ। काय चालू? पता नहीं कुछ चुभा। हाँ? देखूँ तो। खून? क्या आपको जलन हो रही है? हाँ थोड़ी सी हो रही है। बेबाबती जी। क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा ऐसे जलन तो बिच्छू ये सांप काटने से होती है। अरे क्या बोल रहे हैं यार, घर में बिच्छू सांप थोड़ी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं टप्पू के पापा। अरे गांव में तो ऐसे सांप और बिच्छू जितने चाहिए उतने घर में घूमते रहते हैं। अरे भाभी लेकिन ये गांव थोड़ी है। क्यों गांव ही तो है बोरे गाँव। अरे गाँव के छोड़ो, हमारे अहमदाबाद की पोल में मेरी माँ के घर पे एक घायल सांप आ गया था। घायल सांप? हाँ, तो माँ ने उसको बहुत प्यार से रखा, उसकी सेवा की और पाल पोस के बड़ा किया और नाम रख दिया सुंदर। हाँ? क्या क्या सुंदर? क्या सुंदर? अप्रितम काम किया सासू माँ ने। बाकी ऐसे घायल सांप को कोई घर में थोड़ी पनाह देता है, क्यों भिड़ा? हाँ जरा विचित्र है, पण असेल सांगतेत ने। नसेल भाई, नुसती फेकम फेक चालू आहे। अरे असेल क्या, असली ही था? अरे आप मानोगे नहीं, माने उसको ऐसे ट्रेनिंग दी थी कि वो घर के हर काम में काम आता था। उन सांप? हाँ गुबे कभी कपड़े सुखाने की डोरी बन जाता था। हाँ? तो कभी कुएं में से पानी खींचने की रस्सी। हाँ? और कभी घोड़े बांधने की सोथड़ी बन जाता था। बापरे। तो ऐसा था हमारा टाइगर। टाइगर? माँ के घर में घायल टाइगर भी आया था? अरे नहीं नहीं, माँ ने सांप का नाम रखा था टाइगर। सांप का नाम क्यों लेना टाइगर? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिर से कुछ चुभा। अरे इसे चुभना नहीं डंक लगना कहते टप्पू के पापा। कौन है अंदर जो बार बार टप्पू के पापा को डंक मार रहा है? कौन है? अहो आप सोफे के नीचे देखिए ना, नक्की का है जो जेठा भाई को बार बार चुभ रहा है? हाँ मैं देखता हूँ देखता हूँ। वहाँ का? अरे टॉर्च ले जा रहा हूँ, वहाँ पे अंधेरा है ना, दिखेगा नहीं। टप्पू के पापा क्या आपको दूसरा डंक भी जल रहा है? हाँ मतलब थोड़ा सा जल रहा है। अरे तो चलिए जल्दी डॉक्टर हाथी भाई के घर जाते हैं। अरे एक मिनट पहले पता तो चले ऐसी क्या चीज है सोफे के नीचे जो बार बार चुभ रही है। अरे इसे चुभना नहीं डंक लगना कहते हैं। हाँ 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 एक मिनट मैं देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। जेठालाल नीचे पेनी तो है। अरे खून निकले ऐसा डंक थोड़ी मारती है पेन। डंक? अरे इस कलम में ऐसी ताकत होती है जेठालाल के कभी ना भरने वाला घाव पड़ जाता है। आहो ढूंढिए ना जरा। सॉरी अच्छा ये है, मिल गया। जेठालाल तुम्हें इस पिन ने डसा था, मतलब पिन चुभी थी। ये कमाल है, ये पिन सोफे के नीचे कैसे गई? आहो थोड़ी देर पहले नहीं पिन का बॉक्स नीचे गिर गया था? सॉरी जेठा भाई क्या हुआ, थोड़ी देर पहले पिन का बॉक्स नीचे गिर गया था तो सारी पिन इधर उधर बिखर गई, तो शायद उसमें से ये पिन सोफे के नीचे चली गई होगी जो आपको चुभ रही थी। सॉरी कसो शक्य है माधवी, जब पिन नीचे गिरी थी तो बाद में मैंने वापस पिन भरते हुए गिनी थी तो 100 के 100 पिन मिल गई थी, उसका हिसाब मिल गया था हमें। अरे भाई वो लोग बॉक्स पे खाली लिखते हैं 100 पिन, कभी कभी उसमें एक दो पिन ज्यादा भी रहती है, कभी कम भी रहती है। अच्छा ओ अच्छा, मतलब तुम भी बॉक्स में जितनी पिन होती है गिनते हो? अरे पागल है मैंने मजे मेरा एक दोस्त है, उसका ये टेस्टरी का ही धंधा है, तो उसने एक बार बोला था मुझे। लेकिन ये चीटिंग है ना, अगर बॉक्स में 100 पिन लिखे तो 100 ही पिन होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अरे भाई मनुष्य मात्र भूल ना पात्र।
पर देखो ना, इसमें सबसे बड़ी भूल तो मेरी ही है कि मैं तुम्हें टाइम पे चेक देने आ गया। अगर चेक देने नहीं आया होता तो ये पिन मुझे चुपती ही नहीं। टोपू के पापा, अभी पिन लग चुकी है तो चलिए ना जल्दी से डॉक्टर हाथी भाई के घर जाते हैं और इलाज करवाते हैं। अरे छोटी सी पिन लगी, उसमें क्या इलाज करवाने का दया। नहीं 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 जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस बात को लाइटली मत लो। अभी के अभी डॉक्टर हाथी के पास जाओ और इंजेक्शन ले लो। इंजेक्शन मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए इंजेक्शन क्या लेने का? नहीं नहीं जेठा भाई, इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या है, ये पिन चुभी है ना आपको, तो दोनों बात का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, टप्पू के पापा आपको पता है, एक बार सुंदर वीरा के दोस्त को पिन लग गई थी और उसने धनुर्वाद का इंजेक्शन नहीं लिया और उसको धनुर्वाद हो गया। और आपको पता है कितने 3 महीने तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अरे होता उसको वो जंग वाली कील लगी होगी इसलिए। अभी पिछले महीने की बात है, हमारे दुकान के बाहर मुझे बिना जंग के कील लगी थी, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, तो देख 1 महीना हो गया, हुआ मुझे कुछ? जेठालाल, ये तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी की है, तुम्हें अभी के अभी जाके इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं बाद में इंजेक्शन ले लूंगा, अभी मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो जय जिनेन्द्र। नहीं 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 जेठालाल, नहीं, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवाए बिना दुकान नहीं जाने दूंगा। अरे भाई, मैंने बोला ना मैं बाद में लगवा लूंगा, तू जिद क्यों कर रहा है इतनी? नहीं 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 जेठालाल, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हें मेरे घर पे पिन लगी है, तुमने अगर इंजेक्शन नहीं लिया और भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिर चाचा जी मुझे डांटेंगे ना। अरे नहीं डांटेंगे भाई, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई इसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो भिड़े भाई आप एक काम कीजिए, आप बापूजी को फान लगाइए और टप्पू के पापा अभी बापूजी को कह दीजिए कि भीड़े भाई का इसमें कोई हक नहीं है। हाँ करेक्ट करेक्ट, अभी बोलता हूँ चाचा जी को। नहीं भाई, मेरे बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है बापूजी को। अरे 1 मिनट। हाँ चाचा जी, गुस्सा दिया ना मुझे। मैंने क्या किया? देखो तो भोड़ी। हेलो। हाँ चाचा जी, पता लग ले। हाँ बोल बोल बिल्ली मास्टर। हाँ चाचा जी, वो जेठालाल दया भाभी हमारे घर पे आए हैं। हाँ तो जेठिया ने क्या तेरे साथ झगड़ा किया? नहीं नहीं चाचा जी, क्या हुआ, तारीख की जगह महीना और महीने की जगह तारीख लिख दी है। पता नहीं कुछ चुभा। देखो तो अभी जेठालाल का कहना है कि वो इंजेक्शन बाद में लेगा, अभी वो दुकान जाएगा। देखिए मैंने तो उसको इंजेक्शन लेने के लिए बोला है, आप मुझे बाद में डांटना मत। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं डांटूंगा, तूने तेरा फर्ज निभा दिया। तू अभी एक काम कर, जरा जेठिया को फोन दे। हाँ जेठालाल, चाचा जी बात करना चाहते हैं। घर पे पहुंचे, मैं भी अभी पहुंच रहा हूँ। ओके अभी के अभी वहां पहुंच, मैं आ रहा हूँ। और जरा भिंडी मास्टर को फोन दे, बापू जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए चाचा जी। देख भिंडी मास्टर, ये जेठिया इंजेक्शन से डरता है, तो इंजेक्शन देते वक्त उसे पकड़ना पड़ेगा, तो तू भी जेठिया के साथ अभी के अभी हाथी के वहाँ पहुँच, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ओ, 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 अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। उन्होंने बोला कि हमें भी हाथी भाई के घर पे आना। चलो चलो चलो, दरवाजा बंद कर। बोलो ना हंस, जल्दी क्या खाओगे? पूरी भाजी, आलू पराठा, चाइनीज, लेबनीज, थाई, मैक्सिकन, बोलो ना। कोमल, एक काम करो, तुम सब बना लो। हंस बताओ ना, जो तुम्हारी मर्जी हो बना लो। आओ 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 आओ, डरो मत भाई, आओ आओ। अरे डर कौन रहा है भाई, कोई डर नहीं रहा है। अच्छा कौन डर रहा है? ए जेठालाल, वो क्या है कि टप्पू के पापा को भीड़े भाई के घर पर टांचनी लग गई है। हाँ ये इधर 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 टांचनी, ये वो नहीं, वो चेक स्लिप को जॉइंट करने के लिए लगाते हैं। आई पिन? हाँ आई पिन। फिर तो टेटनस का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ आती भाई, वही दिलाने के लिए जेठालाल को यहाँ पे लेके आए, लेकिन ये तो डर रहा है। अरे कोई डर नहीं रहा है, क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े कब से। कैसी बात कर रहे हो भिड़े मास्टर, जेठा भाई क्यों डरेंगे, बच्चे हैं क्या? आइए आइए क्लिनिक में आइए। आओ जेठा, आओ इस तरफ। हाँ 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 भैया, आओ आओ आओ। 2 मिनट में आया जरा। अरे कहाँ जा रहे हो जेठा? कहाँ जा रहे? आपको बुलाने आ रहा था, आप आए नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कहाँ रह गए आप। सॉरी सॉरी, चलो अभी आगे चल। हाँ
ये इधर इधर इस तरफ होता है, यहाँ बैठना होता है, इसलिए और रुको, बैठो 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 आराम से। कोमल एक टेटनस का इंजेक्शन बनाना। हाँ अभी बनाती हूँ। आजी भाई मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि छोटे से पिन लगने पर ये इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई, आपने कहाँ पढ़ा ये? कौन ऐसी गलत सलत अफवाह फैला रहा है? देखिए जेठा भाई, लोहे से चोट लगने पे फौरन टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, वरना धनुआ बढ़ जाए तो बड़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। जेठा भाई अभी ये एक इंजेक्शन से काम हो जाएगा, अगर आपने ये इंजेक्शन नहीं लिया ना तो हो सकता है आगे जाके आपको 3-4 इंजेक्शन लेने पड़े। सही बात है, और दूसरे ट्रीटमेंट की परेशानी अलग से। भाई हाथीड़ा, तू जेठा से इतनी बातें क्या कर रहा है? इंजेक्शन लगा। हाँ लगे लगे जल्दी। हाँ ये अरे भाई इधर, ये उंगली में लगा है, ये हाथ में देना पड़ेगा ना, ये हाथ में कहाँ, पूरा शरीर तो एक ही ना जेठालाल। सही बात। जेठा भाई आप क्यों इतना इंजेक्शन से डर रहे हैं? हाँ जेठालाल कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? हाँ तो चींटी काटने के बाद जितना दर्द होता है ना, बस उतना ही होगा। अरे चींटियां काटती है तो मैं पता नहीं होता ना कब काट के चली गई। ये तो पता है कि अभी इंजेक्शन चुभने वाला है। देख जिटिया, 100 बात की एक बात, इंजेक्शन लेना जरूरी है, तुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बापू जी, मुझे भी पता है इंजेक्शन लेना जरूरी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? बेचारे तू इंजेक्शन के बारे में मत सोच, तू एक काम कर, तू जलेबी फाफड़ा के बारे में सोच। हाँ बरोबर है। चाचा जी जलेबी फाफड़ा का नाम लेंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। जेठा भाई का कहीं और ध्यान लगवाई। अरे कहीं ध्यान नहीं लगवाना, तू इंजेक्शन लगा ना भाई। हंस। जेठा भाई इंजेक्शन तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। हाथी भाई, जरा हल्के हाथ से इंजेक्शन देना। रिलैक्स दया भाभी। जेठा भाई आप कह रहे थे ना कि चींटी काटते तो पता ही नहीं चलता, हंस का हाथ भी चींटी जैसा ही है। आपको कब इंजेक्शन लगाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी तो मुझे भी पता नहीं चलता कि कब इंजेक्शन दे दिया, इसलिए 2-3 बार दे देता हूँ। अरे बापू जी ये देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, घबराइए नहीं। वो क्या है ना कि आप बहुत टेंशन में हो ना, तो थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए। माहौल हल्का हो गया, चलो अभी लगा इंजेक्शन लगा। जी चाचा जी। मिनी वाशर पकड़ी। अरे एक मिनट पर थप्पड़ ने। अरे क्या जेठिया तू भी छोटे बच्चे की तरह कर रहा है, तुझसे ज्यादा तो छोटे बच्चे बहादुर होते हैं। नहीं तो गए, चल चुपचाप इंजेक्शन लगवा ना भाई। जी मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ। आतिफ भाई एक काम कीजिए, आप मुझे पहले बेहोश कर दीजिए, फिर आप आराम से इंजेक्शन लगवाइए। चले। अरे जेठा भाई आपको बेहोश करने के लिए भी बेहोशी का इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। किसने कहा मतलब? अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, हमको पढ़ाया गया है। गलत पढ़ा है आपने। क्या बबात कर रहे हैं आप? अरे वो 10 करोड़ के डुप्लीकेट साड़ी चोरी करने चोर आए थे, उन्होंने कहा हमें बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, वो कुछ मस्त रुमाल सुन गए, हम बेहोश हो गए। ओ, अच्छा था, वैसा कुछ कीजिए चलेगा। नहीं नहीं जेठा भाई, कभी उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो इंसान की जान को खतरा भी हो सकता है। अरे आपने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की है ना, तो आपको तो सही मात्रा की खबर होगी, तो वो मात्रा थोड़ी कम करके सुंगा दीजिए, चलेगा ना? कशाला पण तो द्राविडी प्राणायाम है, 2 सेकंड का काम है इंजेक्शन लेना। हाँ वही तो, अभी पर हिम्मत रखनी चाहिए। अरे कुछ बेहोश बेहोश नहीं होना है, हथेला तू इंजेक्शन लगा। मिनी मास्टर पकड़ी सर। हाँ पकड़ो बापू जी। बापू जी एक मिनट, डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा जेठा लाल, कुछ नहीं होगा। सॉरी। हाथी भाई आपने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, गलती से लग गया, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। अरे बात पैसों के नहीं हाथी भाई, मुझे तो कुछ लगा भी नहीं था, आपने खामखा इंजेक्शन लगा दिया। गलती से लग गया ना, तो एक काम करना, पिन लगवा ले तो सब सर पर हो जाएगा। अब नहीं नहीं जेठा भाई, पिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
भाई चांस अगर 6 महीने के अंदर लोहे से चोट लग गई ना तो कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जटिया अभी तू चुपचाप इंजेक्शन ले रहा है कि मैं तुझे इंजेक्शन दे दूं? हैं इंजेक्शन मरा इंजेक्शन मरा बाबू आप रहने दीजिए, मैं लगवा लेता हूँ। आपको बहुत उत्साह था जेठा भाई को इंजेक्शन लगवाने का। हाँ जेठा भाई आप भी बच्चों की तरह, 1 मिनट में हो जाएगा ये देखिए। हो गया बस हो गया सर। देखो हो गया ना, कुछ पता चला? हाँ पता चला। हाँ पर अभी 6 महीने की शांति इनको भी। ओके मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। नहीं 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 कमल भाभी ने मुझे दुकान जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं दुकान जाता हूँ। आतिफ भाई आपकी फीस कितनी हुई? मैं दे देता हूँ। बस 1 किलो लड्डू दया भाभी के हाथ के। अरे हाथी भाई 1 किलो क्या, 2 किलो लड्डू दे जाऊंगी। थैंक यू। हाँ नहीं वो तो लड्डू तो भिजवाई देगी, आप बोलिए ना फीस कितने में दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा भाई छोटे से काम के लिए क्या फीस, कभी कोई बड़ा काम लेके आई तो फीस ले लूंगा। हंस अरे मजाक कर रहा हूँ कोमल, जेठा भाई अपने गोकुल धाम वासियों के लिए कोई फीस नहीं। अरे थैंक यू आतिफ भाई, चलो बापू जी मैं निकलता हूँ। थैंक यू आतिफ भाई, चलो चलता हूँ मुझे भी बैंक जाना है। अरे जेठालाल तुम्हारे चेक पे तो साइन रहेगी ना तुम्हारी? जा घर से लेके साइन कर देता हूँ मैं, लेके। नहीं अभी रहने दो, कल कर देना, इस बार भी रहेगा। चिंता मत कीजिए, बच्चों की तरह डरते हैं जेठा भाई जी। अभी बोलो फटाफट क्या खाना बनाओ? जो मर्जी हो बनाओ फटाफट, भूख लग गई मुझे। ओके ओके मित्रों हमारी गोकुल धाम भी कमाल की जगह, यहाँ सदैव भाग्य अपनी एक सेल चालू रखता है। सेल बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सीधी सी है, एक टेंशन पे एक टेंशन फ्री। अब जेठालाल के इंजेक्शन पे भिड़े का इंजेक्शन फ्री, और मुझे लगता है आज तो भिड़े की ये जो टेंशन की सेल है वो महासेल है, क्योंकि देखिए ना क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रॉन्ग नंबर पे पोपटलाल ने रिश्ते की बात कर ली, फिर जेठालाल के चक्कर में इंजेक्शन लेना पड़ा। लेकिन ये तो दिन की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत तूफान आने वाले हैं भिड़े की जिंदगी में, टेंशन पे टेंशन, खूब सारे टेंशन। अब आप कहेंगे क्या आने वाले, बता दूं? चलिए एक छोटा सा ट्रेलर आपको बता ही देता हूं, झलक दे देता हूं। भिड़े के फोन पे एक लड़की का फोन आने वाला है, और पोपटलाल उस पे अपने रिश्ते की बात करके विवाहित जीवन के सपनों को डिस्कस करने वाले हैं, विवाहित जीवन की बात करने वाले हैं। सोचिए कितना हंगामा होगा, और यहाँ जब टेंशन का हंगामा होगा तो आपके घरों में उठेंगे ठहाके और हंसी। और वैसे आपके हंसी और ठहाकों के लिए सब टीवी पे आप सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे देखेंगे दिल देके देखो। जी हाँ हंसी और ठहाकों से भरपूर देखना मत भूलिएगा। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कितने टेंशन भिड़े की जिंदगी में क्या क्या नया कमाल करते हैं, और भिड़े और पोपटलाल की जिंदगी में किस तरह से बारा मस्ते हैं उनके, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।